नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। धनतेरस का त्योहार 22 और 23 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जाएगा। धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ कुछ भगवानों की पूजा भी की जाती है। कई लोगों को नहीं पता होता कि धनतेरस पर आखिर किस किस भगवान को पूजा जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस पर आपको किन किन भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं धन्वंतरी भगवान की। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान है। ऐसे में आपको धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी। धनतेरस पर मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, ऐसे में धनतेरस पर हमें उन्हें जरूर मनाना चाहिए। यमराज। धनतेरस पर यमराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाएं, जिसे यम दीपक कहते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक जरूर जलाया जाता है। कुबेर भगवान। भगवान कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन जरूर करनी चाहिए। जिस तरीके से दिवाली पूजा पे मुख्य रूप से कुबेर की पूजा की जाती है, वहीं धनतेरस पर भी कुबेर भगवान की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। इससे कुबेर भगवान धन की अपार वर्षा करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।